स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्लास 10th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.4 की प्रॉब्लम नंबर 5 है। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। इफ़ द पॉलिनोमियल x पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k, द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी x प्लस a। फाइंड k एंड a। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हमारे पास ये जो पॉलिनोमियल है x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10, ठीक है, इसे जब आपने x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास जो रिमाइंडर आ रहा है दैट इज x प्लस a, राइट। इसमें k और a ये क्या है, आपने ये फाइंड आउट करना है, राइट। तो हम इस पॉलिनोमियल को पहले इस पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड करके जो एक्चुअल रिमाइंडर आ रहा है वो चेक करेंगे, राइट। सो यू कैन राइट दिस पॉलिनोमियल इज कंसिडर्ड एज पी एक्स इक्वल टू एक्स पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। ठीक है, दूसरी जो मेरे पास पॉलिनोमियल आ रही है उसे मैं जी एक्स कह लेती हूँ, राइट। सो जी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के। अब ये जो px और gx है इनको मैं आपस में डिवाइड करती हूँ। सो यू कैन राइट लेट्स डिवाइड px बाय gx, राइट। डिविडेंड क्या आएगा हमारे पास, डिविडेंड इज x पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10, राइट। और डिवाइजर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस के। अब हमारा फर्स्ट टारगेट क्या है कि हमने x पावर 4 सॉल्व करना है, राइट। सो x पावर 4 सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगी, ये जो मेरे पास डिवाइजर आ रहा है इसको x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करूँगी। तो साथ साथ में हम रफ में करके देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के। ठीक है, इसे आपने क्या किया है, इसे आपने एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया है। सो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स पावर 4 आ गया, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x, ये हमारे पास माइनस 2x क्यूब आ जाएगा। दिस एक्स स्क्वायर इंटू के, ठीक है, ये क्या आएगा, प्लस के एक्स स्क्वायर आ जाएगा, राइट। सो हमारा फर्स्ट क्वोशेंट क्या आ रहा है, दैट इज एक्स स्क्वायर। बाकी जो हमारे पास वैल्यूज हैं वो लिख लेते हैं, एक्स पावर 4, ठीक है, माइनस 2x क्यूब। तो अगर आप देखो तो कॉफिशियंट की जगह पे हमारे पास यहाँ पे k आ रहा है और जो वेरिएबल है उसकी जगह पे एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो ये वैल्यू जो है मैं इस वैल्यू के नीचे लिख दूंगी। सो इट विल बी प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमने माइनस करना तो श्योरली साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ठीक है, और माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म जो है ये हमारे पास कैंसिल होगी। नाउ माइनस 6x क्यूब प्लस 2x क्यूब, ये क्या दे देगा, माइनस 4x क्यूब दे देगा। साथ में अब हम ये वैल्यूज लिखेंगे। सो प्लस 16x स्क्वायर आ गया। अब ये वैल्यू जो है इसे भी आप साथ में लिख लोगे। सो इट विल बी माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये वैल्यू भी आप साथ में लिख लोगे, माइनस 25x प्लस 10 आ गया, राइट। अब नेक्स्ट टारगेट क्या है, हमने ये जो माइनस 4x क्यूब है इसे सॉल्व करना है। तो अगर मैं इस वैल्यू को माइनस 4x के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो एक टर्म जो है मेरे पास माइनस 4x क्यूब भी आएगी, राइट। सो आप करके देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, इसे आपने माइनस 4x के साथ मल्टीप्लाई किया। सो माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वायर, ये माइनस 4x क्यूब दे देगा, माइनस 4x इंटू माइनस 2x, ठीक है, ये हमारे पास प्लस 8x स्क्वायर दे देगा, माइनस 4x इंटू के, ठीक है, ये क्या दे देगा, माइनस 4kx, राइट। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेंगे। क्वेश्चन क्या आ रहा है, माइनस 4x, ठीक है, और ये वैल्यू माइनस 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर, ठीक है। और अब अगर आप देखो तो आपके पास जो कॉफिशिएंट वाली प्लेस है उसकी जगह पे माइनस 4k है, ठीक है, और वेरिएबल की जगह पे हमारे पास क्या आ रहा है, x आ रहा है। तो श्योरली यहाँ पे हमारे पास कॉफिशिएंट जो है वो माइनस 25 है और जो वेरिएबल है वो x है। तो इसके नीचे हम ये वैल्यू लिख लेंगे, राइट। नाउ अब ये माइनस कर रहे हैं तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस इंटू माइनस प्लस आ गया, प्लस इंटू माइनस माइनस आ गया, और यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा, राइट। अब इसे सॉल्व कर लो, ये वैल्यू कैंसिल हो गई, ठीक है। 16x² माइनस 8x² क्या दे देगा, 8x² दे देगा। अब ये वैल्यू आप साथ में लिख लोगे, माइनस x² आ गया, ठीक है, माइनस 25x आ गया, और यहाँ पे ये वैल्यू जो है ये भी साथ में मेंशन होगी, प्लस 4kx आ गया, और 10 जो है वो भी आप साथ में लिख लोगे। नाउ नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने 8x² सॉल्व करना है। तो अगर मैं इस वैल्यू को 8 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो श्योरली मेरे पास एक टर्म जो है 8x² भी आएगी। अगेन आप करके देख लो, x² माइनस 2x प्लस k, इसे आपने 8 के साथ मल्टीप्लाई किया, सो 8 इंटू x² 8x² दे देगा, ठीक है, 8 इंटू माइनस 2x माइनस 16x दे देगा, 8 इंटू के 8k दे देगा, राइट। अब ये वैल्यू जो है हम साथ में लिख सकते हैं, सो 8x² आ गया, ठीक है, सेकेंड वैल्यू जो है माइनस 16x आ गई, और थर्ड वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आएगी, 8k आएगी। अगर मैं देखूं तो k जो है ये मैं कॉफिशियंट मान के चल रही हूँ, ठीक है, तो कॉफिशियंट जो है जब दूसरे कॉफिशियंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कांस्टेंट वैल्यू ही देगा, तो इसे हम 10 के नीचे लिख लेंगे। अब हमने इनको माइनस करना है तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, सो यहाँ पे माइनस आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा, और प्लस इंटू माइनस माइनस आ गया, ये कैंसिल हो गया, राइट। और अब हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया है, माइनस kx² माइनस 25x प्लस 16x, ठीक है, ये क्या दे देगा, माइनस 9x दे देगा, राइट। और उसके बाद आप प्लस 4kx मेंशन करोगे, प्लस 10 आ गया, माइनस 8k आ गया। अब नेक्स्ट क्या हमारा टारगेट है कि हमने ये जो माइनस kx² आ रहा है इसे सॉल्व करना है। तो अगर मैं डिवाइजर को माइनस k के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो श्योरली मेरे पास एक टर्म जो है माइनस kx² भी आएगी, सो आप यहाँ पे लिख सकते हो x² माइनस 2x प्लस k, ठीक है, इसे आप किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, माइनस k के साथ, सो माइनस k इंटू x² ये क्या दे देगा, माइनस kx² दे देगा, माइनस k इंटू माइनस 2x ये क्या देगा, प्लस 2kx दे देगा, माइनस k इंटू k, ठीक है, ये क्या देगा हमारे पास, माइनस k² दे देगा। आप जो है नेक्स्ट कोशेंट मेंशन कर सकते हो, दैट इज माइनस k, राइट, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी माइनस kx², ठीक है, और उसके बाद 2kx जो है आप 4kx के नीचे ले आओगे, सो प्लस 2kx आ गया, और साथ में आप माइनस k² मेंशन कर दोगे। मैंने ये माइनस करनी है तो श्योरली इनके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, और यहाँ पे भी माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा, ये वैल्यू कैंसिल हो गई, राइट। और आपके पास अब रिमाइंडर क्या आ रहा है, माइनस 9x 4kx माइनस 2kx ये क्या दे देगा, प्लस 2kx दे देगा, राइट, साथ में 10 आ गया, राइट, उसके बाद माइनस 8k आ गया, और प्लस k² आ गया, ये हमारे पास आ गया है फाइनल रिमाइंडर, राइट। सो यू कैन राइट नाउ रिमाइंडर इक्वल टू माइनस 9x प्लस 2kx प्लस 10 माइनस 8k प्लस k²। अब इसे हम जो है रीअरेंज करके लिख लेंगे, राइट। सो सबसे पहले मैं ये जो 2kx वाली वैल्यू है इसे लिख लूँगी, राइट, फिर उसके बाद माइनस 9x लिखूँगी, राइट, उसके बाद ये जो k² वाली वैल्यू है इसे लिख लूँगी, देन माइनस 8k एट दी एंड कॉन्स्टेंट मेंशन कर दूँगी। अब ये जो वैल्यू है इसमें से आप x कॉमन ले लोगे, सो 2k माइनस 9, ठीक है, ये हमारे पास x आ गई, और रेस्ट वैल्यू जो है इसे आप इकट्ठा कर दोगे, सो k² माइनस 8k प्लस 10, ठीक है, इसे आप अलग ब्रैकेट में ले लोगे। अब हमने इनिशियली क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रिमाइंडर जो है वो x प्लस a आ रहा है, सो यू कैन राइट according to the question remainder equal to x plus a. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम ये क्या कह सकते हैं कि ये दोनों वैल्यूज जो है रिमाइंडर है, तो इनको हम क्या करेंगे, इसको मैं इक्वेशन 1 कह लूँगी और इसको इक्वेशन 2 कह लूँगी। दोनों वैल्यूज जो है वो रिमाइंडर की वैल्यू है, तो अब लिख सकते हो कि हम दोनों वैल्यूज जो है उनको इक्वल कर रहे हैं। सो फ्रॉम 1 एंड 2 हमारे पास कंप्लीट वैल्यू क्या आ गई, 2k माइनस 9x प्लस के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10, ठीक है, ये किसके इक्वल है, x प्लस a के। अब अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो ये सारी की सारी वैल्यू जो है मेरे पास x के इक्वल आ रही है और ये सारी की सारी वैल्यू जो है मेरे पास a के इक्वल आ रही है, क्योंकि इसमें मेरे पास कोई भी वेरिएबल x नहीं है और इसमें जो है मेरे पास एक वेरिएबल x आ रहा है। इट मीन्स कि ये वैल्यू जो है ये x की वैल्यू है और ये वैल्यू जो है ये a की वैल्यू है, राइट। तो अब हम इनको जो है एक दूसरे के इक्वल कर देंगे। तो आप इसमें डिवीजन कर लोगे, राइट। तो फर्स्ट वैल्यू जो है दैट इज 2k माइनस 9, ठीक है, यहाँ पे x है इक्वल टू ये xk है, और सेकंड वैल्यू k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10, ये किसके इक्वल है, ये हमारे पास a के इक्वल है। x के साथ x कैंसिल हो गया, राइट। अब इसका क्या मतलब है कि ये जो 2k माइनस 9 है ये किसके इक्वल आ रही है, ये हमारे पास 1 के इक्वल आ रही है, राइट। क्योंकि अगर मैं ये x डिनोमिनेटर में लेके आती तो x के साथ जब x कैंसिल होता तो ऑब्वियसली मेरे पास 1 छोड़ जाता। नाउ ये माइनस 9 जो है ये से मैं दूसरी साइड ले जाऊंगी, सो इट विल बी 2k इक्वल टू माइनस 9, जब दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, सो 1 प्लस 9 आ गया, राइट। सो 1 प्लस 9 कितना हो गया, दैट इज 10, राइट। सो k की वैल्यू क्या आ गई, 10/2, ठीक है, इसे आपने सॉल्व किया। सो 2×5 = 10, इट मीन्स कि k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 5 आ रही है, राइट। अब नेक्स्ट टारगेट क्या है कि हमने इस जगह पे k की वैल्यू पुट करनी है। सो फर्स्ट k स्क्वायर दैट मीन्स 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 × k दैट मीन्स माइनस 8 × 5 आ जाएगा, प्लस 10 आ गया इक्वल टू a, 5 का स्क्वायर 25 आ गया, माइनस 8 × 5 माइनस 40 दे देगा, प्लस 10 आ गया, राइट। ये इक्वल टू ए आ रहा है। अब जो हमारे पास पॉजिटिव टर्म्स हैं वो आप इकट्ठी कर लो, सो 25 प्लस 10 माइनस 40 इक्वल टू ए, 25 प्लस 10 35 आ गया, माइनस 40 इक्वल टू ए आ गया। अब अगर हम देखें तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 35 माइनस 40, माइनस वाली टर्म बड़ी है, सो माइनस वाली टर्म बड़ी होने की वजह से आंसर जो है हमारे पास माइनस में आएगा। 35 माइनस 40 मीन्स माइनस 5, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, दैट इज माइनस 5, सो यू कैन राइट देयरफॉर k इक्वल टू 5 एंड a इक्वल टू माइनस 5।